सो हे गाइस, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेक्स्ट आप किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करोगे। इसके अलावा बेस स्टॉक जिनको कल आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हो, सारे ट्रेड का लॉजिक क्या है सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। एंड अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो डेफिनेटली आज आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। एंड जिन लोगों ने अगर हमारे फ्री टेलीग्राम से जुड़े हो और जो आज मैंने जितने भी ट्रेड दिए सारे ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल रहे, सब में हमारा टारगेट हिट हुआ, किसी में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। एंड जो लोग कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे होंगे डेफिनेटली उन लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा। और आप लोग अगर पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, इसको ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको कोई भी लाइव ट्रेड में, मैं कोई भी लाइव मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड लेने से पहले आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी उसका बेनिफिट उठा पाओ। तो ट्रेडिंग हाइज जाके आपको सर्च करना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री। या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो उससे भी जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, बहुत सारा बेनिफिट एंड में आपको होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले स्क्रीन को मैं छोटा कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कल किस तरीके से आपको प्लान करना है। सबसे पहले निफ्टी के अंदर देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ है? थोड़ा सा मैं आपको इन जनरल आपको बता देता हूँ कहाँ पर क्या चल रहा है। अभी देखो बॉटम से यहाँ पर स्टार्ट करें तो यहाँ से एक तेजी हुई, फिर थोड़ी सी गिरावट हुई, फिर तेजी, तो यहाँ पर ओवरऑल देखें एंड पैटर्न देखने को मिला। और फिलहाल आज जो हमें एक रेजिस्टेंस को हिट किया, रेजिस्टेंस कौन सा है, 17,530 के आसपास या फिर 17,500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। 17,500 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया है, तो प्राइस ने इस लेवल को हिट किया और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एरिया जो है काफी ज्यादा क्रुशियल है, यहाँ से एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके पीछे का रीजन समझो यहाँ पर कि इस तरीके से अगर बॉटम से हम देखें तो ऊपर गई प्राइस, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई एंड यहाँ से हो सकता है कुछ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, या फिर हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेकर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। जो भी होगा मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी हमको किस तरीके से ट्रेड करना है, हमको सिर्फ वो चीजें प्लान करनी है। चलिए अब हम देख लेते हैं हुआ क्या। आज दिन देखोगे तो काफी अच्छा ट्रेड नहीं मिला होगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि मार्केट देखेंगे तो ओवरऑल देखोगे तो साइडवेज मार्केट ही रहा है। देखो एक छोटी सी रेंज के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता रहा, उसके पीछे का रीजन समझो आप। कल के दिन में काफी अच्छी तेजी हुई, यहाँ से देखोगे कल के दिन में काफी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था। आज ऑलरेडी यहाँ पर 100-150 पॉइंट यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी गैप अप हुआ है, ठीक है। जब मार्केट इतना ऑलरेडी गैप अप हो चुका है तो हम यहाँ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ तेजी होगी। एंड ऊपर की तरफ ज्यादा तेजी हमको नहीं देखने को मिली और ना ही गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस एक छोटी सी रेंज के बीच में यहाँ पर मार्केट एंड ऑफ द डे ट्रेड करता हुआ, पूरे दिन भर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो रेंज बाउंड मार्केट था, कोई खास इंट्राडे के अंदर इतना खास पैसा नहीं बना, लेकिन जो कल BTST लेके गए होंगे उनका काफी अच्छा पैसा मॉर्निंग में ही बन गया होगा जो लोग इसको कल होल्ड करके गए थे। अभी हम बात कर लेते हैं कल हम सिंपल इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है और कंटिन्यूसली प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड ऑफ द डे हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिला, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया ही, तो हम इसको नहीं इस तरीके से नहीं देखेंगे। हम सिंपली इसको प्लान क्या कर रहे हैं, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करती, मैं यहाँ पर जोन मार्क कर देता हूँ, अगर प्राइस इस स्विंग के ऊपर निकलना स्टार्ट भी करती तो उसके बाद हम थोड़ा बाइंग के लिए देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके लिए मैं लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आपको कन्फर्म हो जाएगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, बाकी ये सारे लेवल्स एज इट इज रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो इस स्विंग के ऊपर निकलने के बाद हम इसको बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, स्विंग के नीचे अगर इसी के जहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास ओपन होती है तो उसके बाद हम इसको बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं सेल के लिए बात करूँ, क्योंकि मार्केट आज रेंज बाउंड था तो कल मार्केट जो एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, आज बिल्कुल साइडवेज था, तो कल अगर प्राइस साइडवेज ओपन होगी तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड और डाउनसाइड कहीं किसी भी तरफ देखने को मिल सकता है। तो सेल के लिए सिंपली प्लान रहेगा हमारा इस जोन के नीचे, जब तक डे का लो क्रॉस नहीं कर रही तब तक हम बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल सकती, एक अच्छा सेल अप एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसी रेंज में बीच में घूमता रहेगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा, वो प्रीमियम डीके होगा और उसके कारण से ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होगा, ऑप्शन बायर को बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेजर ब्रेकआउट मुझे देखने को मिल रहा है वो है डे का हाई, अगर प्राइस डे का हाई क्रॉस कर रही है यहाँ से तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। फर्स्ट मूव कुछ क्वांटिटी आप इस लेवल के ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, यानी कि 17,506 के ऊपर या फिर 507 के ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट करती है प्राइस साइडवेज प्राइस ओपन होने के बाद, तो इस लेवल से कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी डे का हाई क्रॉस करने के बाद आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से निफ्टी को हमको प्लान करना, कंडीशन क्या है पहले कंडीशन समझ लो, मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होनी चाहिए, फिर इस स्विंग को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही तो इस लेवल के आसपास कुछ क्वांटिटी डे का हाई, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। सेल के लिए अगर इसी लेवल पर ओपन होकर डे का लो क्रॉस करी उसके बाद हम इसको सेल के लिए देख सकते हैं, यहाँ से एक अच्छी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। आई होप कि निफ्टी का क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से निफ्टी को प्लान करना। इसके अलावा टारगेट क्या हो सकता है ऊपर में,
तो डेफिनेटली पहला टारगेट रहना रहने वाला है 600 का, एक राउंड लेवल नंबर है, तो ऊपर में 600 का टारगेट आप करके कल के लिए प्लान करके चलो, ठीक है। बस कंडीशन वही है, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा तो आप एक चीज समझो कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली तेजी हो रही है। अगर मार्केट कल भी गैप अप हो जाता है 600 के आसपास, मार्केट प्राइस ओपन होती है, यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पर हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाएगा तो पहले हम प्लान करेंगे इस यहाँ का ही सपोर्ट एरिया पे आसपास, अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से बाउंस कर सकती है, इस लेवल को हिट करने के बाद डिसाइड करेंगे मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, ठीक है। तो गैप अप या गैप डाउन मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट के अंदर। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं। सेम चीज बैंक निफ्टी भी अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं, वहां पर हम प्लान कर लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट पर क्या दिख रहा है हमको, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, मार्केट आज काफी ज्यादा गैप अप हुआ एंड उसके बाद एक छोटी सी रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहा, फिर भी आज हमने काफी अच्छा पैसा इसमें कमाया है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने जो ट्रेड दिए थे, बैंक निफ्टी में ज्यादातर ट्रेड दिए थे क्योंकि थोड़ा सा वॉलीटिलिटी रहती है तो काफी ठीक ठाक पैसा बन जाता है। हालांकि मार्केट इतना ट्रेंडिंग नहीं था और रेंज बाउंड था, फिर भी हमारे छोटे छोटे काफी अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अभी हम प्लान कर सकते हैं इस तरीके से, देखो बॉटम से प्राइस तेजी होना स्टार्ट हुई, एक गिरावट हुई यहाँ पर, काफी काफी टाइम तक यहाँ पर वेट किया प्राइस ने, और अभी 3 दिन 3-4 दिन में देखो काफी अच्छी तेजी हो चुकी है। अब यहाँ कहीं से प्राइस फिर से थोड़ा सा यहाँ गैप अप होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, यहाँ तक आएगी फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करते हुए ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू करेगी, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा डेली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से मार्केट चल रहा है। एंड मार्केट अभी मैं बात करूँ तो सिंपल, अभी हम देखे तो एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी मार्केट देखने को मिला, इस ये देख सकते हो ये जो यहीं से गिरावट हुई थी, यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था और इसी लेवल के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो 40,500 का लेवल यहाँ पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया अभी हमको देखने को मिल रहा है, ये टारगेट हमको ऑलरेडी कल तक अच्छी हो जाएगा 40,500 का लेवल, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। चलिए अब मैं लगा लेता हूँ 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट, वहां पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके से प्लान करना है। पिछले 2-3 दिन से देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट गैप अप ही होते जा रहा है और कंटिन्यूसली रैली करती जा रही है। यहाँ पर देखोगे इस लेवल से अगर हम देखें तो बॉटम से प्राइस चलना स्टार्ट हुई, लास्ट डे गैप अप हुआ, काफी बड़ी तेजी हुई और आज भी देख सकते हैं मार्केट गैप अप हुआ और एक ठीक ठाक तेजी आज भी हमको देखने को मिली, एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला है, ठीक है। तो आज डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो कल बीटीएस लेके गए होंगे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 450 पॉइंट गैप अप हुआ मार्केट 400 के आसपास का एंड उसके बाद तेजी हुई, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं आज का दिन का एनालिसिस क्या कर सकते हैं। देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से तेजी हुई, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा था, एंड ऑफ द डे चैनल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, फिर रीटेस्ट करने यहाँ पर आया हुआ है। तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले हिट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट लिया, सपोर्ट लिया, यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, तो 4 से 5 बार इस लेवल को टेस्ट किया। लेवल कौन सा है, 40,300 का लेवल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 40,300 का लेवल हमारे लिए। एंड इसके ऊपर हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सिंपल प्लान क्या करना है, अगर मार्केट जो है इस रेंज के ऊपर निकलना स्टार्ट करती है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगी हम बाय के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज इस स्विंग के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगी सेल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करके इस स्विंग के प्रॉपर नीचे सेट कर लेते हैं, तो इसके नीचे अगर निकलेगी तो हम सेल के लिए देखेंगे, ठीक है। इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, अगर इसके ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल के लिए देखेंगे, अगर इस स्विंग के नीचे की तरफ निकल रहा है तो पुट के लिए देखेंगे। सिंपली आपको अपने चार्ट के ऊपर देखना है कि जो लास्ट में जो प्राइस ने लो लगाया इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करी फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, सेल के लिए आएगा, एंड अगर प्राइस इस लेवल की यहाँ पर इस स्विंग को क्रॉस कर रही है, यानी कि 40,400 का आसपास का लेवल है, 40,400 का लेवल क्रॉस करने के बाद हम इसको बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा, तो मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड करना होगा गैप अप या गैप डाउन को, तो मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ चार्ट शेयर कर दूंगा, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं टारगेट सारे ऊपर में है, 600 का टारगेट है, 40,600 का टारगेट है, 40,700 का टारगेट है, ये सारे ऊपर में टारगेट लेवल है जो कि मैं आपको वहां पर टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कल किस तरीके से आप ट्रेड करोगे स्टॉक को, वो भी हम देख लेते हैं कौन से स्टॉक है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं लगा लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट एक बार। एक स्टॉक मुझे दिख रहा है वेदांता, वेदांता को अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 दिन से प्राइस इस लेवल के आसपास वेट करी, कल भी मैंने सेम स्टॉक दिया था, आज ब्रेकडाउन नहीं हुआ है एंड आज कल अगर ये इसमें ब्रेकडाउन होगा तो काफी अच्छी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो 277 का जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 280 के नीचे नेगेटिव है तो 277 के 277 के नीचे हम उसको सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, एक अच्छी गिरावट यहाँ से हमको देखने को मिल सकती है। एम पैटर्न दिख रहा है जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ, नेक्स्ट स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा HCL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसको अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर तो काफी अच्छी आज हमको तेजी देखने को मिली। यहाँ से अगर इस तरीके से देखें तो एक यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से एक W पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर हम सब अराउंड ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है। तो ये स्टॉक हमारी कौन सी कैटेगरी में आएगा, मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है।
प्राइस की बात करूँ तो जो डे का हाई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने लेवल्स की बात करूँ तो डे के हाई के ऊपर हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर ये जो एरिया आपको दिख रहा है 2500 का एरिया, ठीक है, 2500 का एक राउंड लेवल नंबर है, 2500 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। कल अगर 2500 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज 2500 का लेवल हिट करने के बाद हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप मेक और ब्रेक लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ, एक स्टॉक है जो सेल के लिए हमको देखने को जिसमें सेलिंग के लिए हम स्टॉक को देख सकते हैं, वो है यहाँ पर अगेन ये स्टॉक, ये है मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है। मैक्स हेल्थ केयर को देखोगे यहाँ पर भी एम पैटर्न हमको बनता हुआ नजर आ रहा है एंड नेकलाइन के आसपास है, ये नेकलाइन है 405 का लेवल है, तो डे का लो क्रॉस करते हैं हम इसको सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। काफी अच्छी गिरावट इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिल सकती है कल के दिन में, ठीक है। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने जो यूट्यूब चैनल है वहां पर मैंने अपडेट कर दिया है, आप यहाँ पर बैनर भी जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये जो आपके लिए ऑफर है दीपावली ऑफर यहाँ पर लग चुका है बैनर, 2 मिनट ये अपडेट हो रहा है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है उनके लिए मैंने इंट्राडे एडवांस कोर्स लगाया एंड उसका जो अभी 50% ऑफ में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। कितने में मिल रहा है? 50% ऑफ में मिल रहा है। आपको ये कूपन कोड यूज करना है, यहाँ पर मिल जाएगा कूपन कोड दिवाली 50 यूज करोगे तो ये जो 2500 रुपये फीस दिख रही है इसमें जो आपको जो है 1250 में ये कोर्स में इनरोल मिल जाएगा, यानी कि 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर। इंट्राडे आपको ट्रेडिंग सीखना है, अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आती है, इससे आपको बेनिफिट होता है, मैं जो रेगुलर एनालिसिस बताता हूँ उससे बेनिफिट होता है, तो आपको और भी ट्रेडिंग अगर स्किल अच्छी करनी है, अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, इसको अगर रेगुलर पैसा कमाना चाहते हो ट्रेडिंग से, तो आपको सीखना पड़ेगा। डिटेल में सीखोगे तभी पैसा बनेगा, बाकी ऊपर ऊपर से सीखोगे तो ऊपर ऊपर से फिर लॉस ही होगा, पैसा नहीं बनेगा। तो जो लोग सीखना चाहते हैं इनरोल कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर, डायरेक्टली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट की, तो वहां से इनरोल कर सकते हो। अभी ऑफर है, ये ऑफर दीपावली का है, तो दीपावली खत्म होते ही 28 तारीख के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है एंड जो लोग ज्यादा डिटेल अगर इसकी जानना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।